Morning students, we have completed our chapter Organisms and Population and now in our today's class we will be discussing the NCERT exercise of that chapter. So first question is, how is diapause different from hibernation? Diapause और hibernation में क्या difference है? Diapause के अंदर कोई भी organism अपने growth को कुछ time के लिए, जब तक कि conditions unfavorable होती हैं, अपने growth को रोक लेता है, यानी suspend कर लेता है अपने development को. So it is a stage of suspended development. अब क्यों उसने सस्पेंड किया? क्योंकि कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल टू कोप अप विद अनफेवरेबल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल, जूओप्लैंकटॉन्स एंड इंसेक्ट्स, ये क्या करते हैं? जब एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं तो वो डायपॉज की स्टेज में आ जाते हैं. वेयर एज व्हाट इज़ हाइबरनेशन? इट इज़ कॉल्ड एज विंटर स्लीप. इन विंटर सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बिकम इनएक्टिव. यहाँ पर वो इनएक्टिव हो गए हैं, उन्होंने अपने ग्रोथ को नहीं रोका है. दे हैव बिकम इनएक्टिव. अब वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं. और किस तरह से इनएक्टिव कर लिया उन्होंने अपने आप को? उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म के रेट को स्लो डाउन कर लिया है. सो डिफरेंस इज, डायपॉज के अंदर जो ग्रोथ है वो सस्पेंड हो जाता है और हाइबरनेशन के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ़ ए मैराइन फिश इज प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव? वाई और वाई नॉट? देखिए बेटा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब ने अपनी एक ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखी हुई होती है. हम लोग अगर बात करें ऑस्मोसिस की, तो हमें ये जो है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में क्लियर है कि अगर कोई सेल जो है उसके उसका जो वाटर कंटेंट उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के वाटर कंटेंट के बराबर है तो कोई एक्सचेंज नहीं होता, नेट मूवमेंट कुछ नज़र नहीं आता. जितना सब्सटेंस अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर आ जाएगा और वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाता है और उस सेल में कोई चेंज नहीं होता. बट इफ़ वी टॉक अबाउट कि इफ़ वी हैव अ सेल एंड दैट हैज़ लेस वाटर कंटेंट एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड, सो वॉट विल हैपन? वाटर फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इन टू द सेल एंड देर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल. Now same is happening here. If a marine fish is placed in a fresh water, जो fish है वो marine में यानी salty water में रह रही थी, अब उसे हमने कहाँ रख दिया? Fresh water के अंदर रख दिया है. अब इसको fresh water में रखने से इसके जो chances of survival हैं वो ना के बराबर diminished ख़त्म हो जाते हैं. Actual में जो fish की body है, इसने अपने आप को क्या adapt किया हुआ है कि it can survive in high salt concentration. But in fresh water हम क्या देखेंगे? जो salt का amount है वो है ही नहीं, जबकि इट वॉज लिविंग इन द हाई सॉल्ट कंडीशन. सो अब ये क्या करेगी? द वाटर विल एंटर थ्रू द बॉडी. किसके कारण एंटर कर जाएगा? ड्यू टू द हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट आउटसाइड. वाटर कंटेंट इज मोर आउटसाइड, सो द वाटर विल एंटर टू द बॉडी ऑफ फिश. अब वहाँ वाटर कंटेंट कम था, सॉल्ट के उसमें रह रही थी वो, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द फिश. उसको स्वेल हो जाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी. थर्ड क्वेश्चन इज, डिफाइन फिनोटिपिक अडेप्टेशन. फिनोटाइप्स जो हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड फिनोटिपिक अडेप्टेशन मीन्स एनी ऑर्गेनिज्म विच हैज़ डन एनी चेंजेस इन इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन. और ये जो फिनोटिपिक अडेप्टेशन है ये किसके कारण हो जाती है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जेनेटिक म्यूटेशन, जीन्स में चेंजेस आने के कारण, या फिर अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस हैं तो. अब यहाँ जो ऑर्गेनिज्म है फिनोटिपिक अडेप्टेशन का, अगर हम एग्जांपल लें, इफ़ वी टॉक अबाउट द डेजर्ट प्लांट्स, सो व्हाट द चेंजेस दे हैव मेड इन देयर बॉडीज, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण कह लें या जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, दैट दे हैव थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमेटा. अगर हम उनके स्टेम की बात करें, दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ लीव्स और वहाँ पर उनके ऊपर जो है हार्ड कवरिंग है, थिक क्यूटिकल है और जो स्टोमेटास हैं दे आर डीपली सिचुएटेड, बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं ताकि जब स्टोमेटा ओपन हो तो वाटर का लॉस ना हो. सो दिस इज़ द अडेप्टेशन दे हैव डन इन देयर बॉडी. सिमिलरली एलिफेंट्स हैव लॉन्ग ईयर्स दैट एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर्स. जो ईयर्स हैं वो उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने में उन्हें हेल्प करेंगे. सो दीज आर द फिनोटिपिक अडेप्टेशंस. दीज मे बी बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस और बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 45 डिग्री सेल्सियस. यस,
क्योंकि इतनी डिग्री टेम्परेचर के बाद में जो हमारी जो बॉडी है वो वर्क कर रही है बिकॉज सर्टेन एंजाइम्स आर वर्किंग इन आर बॉडी। और हमें पता है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। अगर उससे ज़्यादा इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो जो एंजाइम्स हैं उनका शेप चेंज हो जाता है, दे गेट डिस्टॉर्टेड। सो हेयर ऑल्सो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर अबव 45। यहाँ पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर चेंज होने से एंजाइम्स डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। देन हाउ आर माइक्रोब्स एबल टू लिव इन हैबिटेट्स विद टेम्परेचर एक्सीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस। तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे रह जाते हैं? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हाइड्रोथर्मल हॉट वेंट्स के अंदर जो गर्म पानी के झरने निकलते हैं उनमें रहते हैं एंड दे कैन बी अ टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दे हैव सर्टेन एंजाइम्स विच आर थर्मो रेजिस्टेंट। जो उनकी बॉडी के एंजाइम्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता एंड बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स बींग थर्मो रेजिस्टेंट दीज ऑर्गेनिजम्स कैन डू देयर मेटाबॉलिज्म एट हाई रेंज ऑफ temperature and are able to survive. Next is list the attributes that populations but not individuals possess. हमने पढ़ा था population और attributes के बारे में कि अगर किसी एक organism के अंदर changes आते हैं तो वो किसी population को effect नहीं करते, लेकिन अगर बहुत सारे organisms यानी कि populations में changes आ जाते हैं तो वो एक particular area को effect करते हैं। सो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर एंड विच आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड दैट फॉर्म्स अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल काउ, डॉग, बफलो एट्सेट्रा, ऑल दीज आर द पॉपुलेशंस। एंड एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट एट्रीब्यूट इज नेटैलिटी। नेटैलिटी इज द बर्थ रेट, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन एन एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कितने ऑर्गेनिजम्स का बर्थ हुआ, दैट इज़ नोन एज नेटैलिटी। एंड नेक्स्ट इज मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी इज डेथ रेट। डेथ रेट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ दैट स्पीशीज डाइड, मीन्स हाउ मेनी इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीशीज हैव बीन लॉस्ट। देन नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स पर थाउजेंड, पर थाउजेंड पॉपुलेशन में कितने मेल हैं और कितनी फीमेल है। एज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़े थे, पिरामिड्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है और इट इज़ डिक्लाइनिंग और क्या हो रहा है। तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बताती है कि जो पॉपुलेशन है इट विल फ्लॉरिश और इट विल बिकम स्टेबल और इट विल डिक्लाइन। इफ़ द प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स आर मोर, पॉपुलेशन विल फ्लॉरिश, बढ़ेगी। अगर प्री रिप्रोडक्टिव कम है तो क्या होगा, वो डिक्लाइन हो जाएगी। और प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव के बराबर है देन इट विल रिमेन स्टेबल। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को डिटरमाइन करती है। एंड द लास्ट एट्रीब्यूट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम। सो दीज आर द वेरियस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। योर होमवर्क इज लर्न दीज क्वेश्चंस एंड राइट दीज इन योर फेयर नोटबुक।